और आइए अब देखते हैं 4 मिनट में 40 अहम खबरें। इमरान खान पर फायरिंग, पैर में लगी गोली, लाहौर के अस्पताल में भर्ती, डॉक्टर बोले हालत स्थिर, देश भर में समर्थकों का उग्र प्रदर्शन। इमरान खान पर हमले के बाद पाकिस्तान में हालात नाजुक, अलर्ट पर सेना और खुफिया एजेंसियां। इमरान पर हमले से एक दिन पहले ही ISI हेडक्वार्टर गए थे जनरल बाजवा, पाक सेना ISI के हाथ होने का शक गहराया। इमरान खान के इलाज कर रहे अस्पताल का बयान, पैरों में गोली के कई टुकड़े मौजूद। भारत हारा तो जिम्बाब्वे के लड़के से शादी करूंगी, पाकिस्तानी एक्ट्रेस बोली अगले मैच में हारेगा भारत। तेज हवा में डगमगाता प्लेन को तिरछा करके लैंड कराया, पायलटों ने क्रॉस विंड लैंडिंग कराई, हो रही तारीफ, यूके की घटना। इसराइल चुनाव में बेंजामिन नेतन्याहू की जीत, पीएम मोदी बोले दोस्त को बधाई, भारत के साथ जल्द हो सकता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। न्यूजीलैंड में भारतीय मूल के शख्स ने पत्नी के प्रेमी को हथौड़े से मार डाला, मांगी सजा के खिलाफ अपील। भारत के राजविंदर पर ऑस्ट्रेलिया में 5 करोड़ का इनाम, ऑस्ट्रेलिया पुलिस की सबसे बड़ी राशि, मर्डर करके भारत भाग आया। आज दिल्ली NCR में AQI 450 से 500 रहने की आशंका, डीजल वाहनों पर रोक लगी, नोएडा से 8वीं तक के स्कूल बंद। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी आज घोषित करेगी अपना CM कैंडिडेट, राज्य में 2 फेज में डाले जाएंगे वोट। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में प्रवासी मजदूरों पर हमला, स्कूल में काम कर रहे मजदूरों पर आतंकियों ने गोलियां चलाई, हालत गंभीर। कांग्रेस विधायक बाबू चंडेल के फिर बिगड़े बोल, इस बार CM शिवराज को दी धमकी, रसोईया के साथ अश्लील हरकत कर रहे थे हेडमास्टर साहब, वीडियो पर मचा बवाल तो हुआ एक्शन। ED को पहली बार खुली चुनौती, झारखंड के CM हेमंत सोरेन बोले हिम्मत है तो अरेस्ट करें, फिर 3 हफ्ते का समय मांगा। भाजपा सांसद ने कर्मचारी को जरा थप्पड़, किसानों की शिकायत पर भड़के CP जोशी। राहुल गांधी ने खुद को मारे कोड़े, एक बच्चे को कराटे सिखाए, फोक डांस ढिमसा पर थिरके। अवैध पटाखे बनाने के दौरान घर में धमाका, 3 बच्चों और पिता सहित कुल 6 घायल। हटा के दमोह मार्ग पर वाहन पलटने से हादसा, हटा थाने में पदस्थ 2 पुलिसकर्मियों की मौत। आज पीथमपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री शिवराज, पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में कई निर्माण कार्यों का शिलान्यास। भिंड में कुंवारी पुल से नदी में गिरा ट्रक, हादसे में 2 लोगों की मौत की आशंका। बैतूल के दर्दनाक सड़क हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान। PM भूपेश बघेल का हिमाचल दौरा, आज कांगड़ा में ज्वाला देवी मंदिर में किया दर्शन। दंतेवाड़ा में गणेश जी की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़, मूर्ति के साथ असामाजिक तत्वों ने की छेड़छाड़। अंबिकापुर में पेट्रोल पंप के पास खड़े ट्रक में लगी आग, आग लगने से मची अफरा तफरी। रीवा में निपानिया नदी के पुल से युवक ने लगाई छलांग, अज्ञात कारणों से युवक ने नदी में लगाई छलांग। महतारी का विरोध, छत्तीसगढ़ के लोगों का विरोध, CM भूपेश बघेल बोले क्या छत्तीसगढ़ भारत से बाहर है, नितिन नबीर के बयान पर जताई नाराजगी। T20 वर्ल्ड कप में आज ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान, टॉस में जीती अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया के लिए यह मैच जीतना बेहद जरूरी। T20 वर्ल्ड कप में चौंकाने वाले नतीजे आए सामने, सेमीफाइनल की रेस में लौटा पाकिस्तान। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए संजू सैमसन ने शुरू की तैयारी, मैदान पर जमकर बहाया पसीना। कोहली की फेक फील्डिंग पर कॉन्ट्रोवर्सी, थ्रो फेंकने का दिखावा किया, पेनल्टी लगती तो सुपर ओवर होता। इमरान खान पर हमले के बावजूद आयरलैंड ने रद्द नहीं किया पाकिस्तान दौरा, आज खेला जाएगा पहला वनडे। फोन बूथ के में साथ दिख रहे हैं ईशान खट्टर, सिद्धांत चतुर्वेदी बोले शूटिंग शुरू होने से पहले ही टूट गया था डायरेक्टर का पैर, भूतिया गांव में हुई थी शूटिंग। 27 साल बाद सिनेमा हॉल में दोबारा लगी DDLJ, फैंस ने लुटाया प्यार, फिल्म ने एक दिन में किया 23 लाख का कलेक्शन। बड़े रवि कुमार का टीजर हुआ जारी, रवि कुमार बनकर वापस लौटे हिमेश रेशमिया, एक्शन और एंटरटेनमेंट से भरपूर होगी फिल्म। ऋतिक रोशन ने गर्लफ्रेंड का बर्थडे बनाया स्पेशल, सबा आजाद ने वीडियो शेयर कर कहा थैंक यू। प्रियंका की फिल्म लव अगेन का फर्स्ट लुकआउट, सैम ह्यूगन के साथ देखी केमिस्ट्री, फरवरी की जगह अब 12 मई को होगी रिलीज।